नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि देश और दुनिया की किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें। और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज 24 के। नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शिवांगी। खबरों को देखें विस्तार से। बांधों से छोड़े गए पानी से यमुना का जल स्तर बढ़ा। जनपद जालौन के कई गांव हुए जलमग्न, अधिकारियों ने लिया जायजा। जालौन के सभी लोग कोरोना से लड़कर संभल ही नहीं पाए थे कि जालौन जनपद के यमुना नदी में बाढ़ से लोगों के आशियाने बिखर गए। आपको बता दें कि बांध से छोड़े गए पानी से इतना विकराल रूप ले लिया कि सिंध, पहुज, यमुना सहित कई नदियां उफान पर है, जिसका रौद्र रूप चारों ओर दिखाई दे रहा है। जनपद जालौन में कई गांव ऐसे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आ गए। कालपी क्षेत्र के सिमरा शेखपुर में लगभग आधा गाँव जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीणों का जो भी सामान था सभी डूब चुका है। चारों ओर दहशत का माहौल है क्योंकि अभी तक यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। वहीं जनपद जालौन में प्रशासन सतर्कता दिखाते हुए बाढ़ क्षेत्र में उपस्थित दिखाई दे रहा है। आज उप जिलाधिकारी कालपी एवं तहसीलदार कालपी ने शिमरा शेखपुर का जायजा लिया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहा और तथा ग्रामीणों से कहा है कि जल्द से जल्द सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और मेडिकल टीम को मौके पर भेजा जाएगा जिससे कोई संक्रमण का शिकार ना हो पाए। कालपी तहसील के सिमरा शेखपुर गुड़ा देवकली सहित दर्जनों गांव इस बाढ़ से प्रभावित हैं। जालौन यूपी से राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट। लोगों से पूछ लो, दो चार लोगों से। आज सुबह तक हमारा जो एक घंटे का ट्रेन था वो एक फिट था, एक घंटे में एक फिट बढ़ रहा था। अब वो एक घंटे में 10 सेंटीमीटर बहुत कम रहता है। यहाँ तो सुबह साथ जब नाव भी आए थे यहाँ कोई पानी नहीं सीधा पड़ा था। चलो उतारो तुम निकाल उतर, चलो मारे 2 मिनट में। हाँ हाँ, बाढ़ में है, बाढ़ में। अरे क्यों पानी में घूम रहे भाई? थोड़ो थोड़ो भरो। अब रात से डाउन होना शुरू हो जाएगा। हाँ, खट जाए पानी रात में, कोई व्यवस्था तो कोई दिक्कत अब यहाँ एक एक मकान में तीन तीन परिवार हैं साहब, जगह ही नहीं आगे कहीं बसने। अच्छा सर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है, क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं? अभी सबसे पहले हमारी प्राथमिकता जो है वो जनहानि और पशुहानि को रोकने की है और उसके बाद विस्थापन का कार्य किया जा रहा है जी, और साथ ही साथ संक्रमण ना फैले इसलिए मेडिकल की टीमें वहाँ पर लगाई जा रही हैं, और साथ ही साथ जो प्रभावित परिवार हैं ग्रामों में उनको सूखा राशन और तैयार भोजन अभी 500 पैकेट बंटवाया है और शीघ्र ही उसकी संख्या बढ़ा करके उनको पूर्ति की जाएगी और विस्थापित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
क्या नाम है आपका? यहाँ सूचना दे सकते हैं अब ऐसा तो बाकी प्रयास हम लोग बाढ़ को लेकर आप जायजा लेने आए हैं जी, किन बिंदुओं पर जांच करेंगे? ये हमारे विभाग, ये पशुपालन विभाग से जो भी जानवर हैं यहाँ पे जी हाँ, उनको यहाँ से हटाया जाए जी। दूसरी बात, अगर ये बाढ़ में फंस गए तो कई बीमारियों से ग्रसित हो जाए। ये पानी गंदा है बाढ़ का, इसको ना पिलाएं, नहीं जानवर में बीमारी फैलने के चांसेस। तो अभी तक आपने उच्च अधिकारियों का संज्ञान मामला करवाया है? बताया गया है हमारे मुख्य कौन सा पानी सही पिएंगे तो बीमार होंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में निरीक्षण करें, समस्या जानवरों से संबंधित समस्याओं को बीमारी फैलिए उसका जाके मामला किया है तो किस तरीके बता देना, क्योंकि जो मौके पे क्या नाम है आपका? संत कुमार से बाढ़ है। कौन से गांव के रहने वाले? सिमरासेखपुर मुस्तकी। आपके यहां बाढ़ का भयानक रूप है, क्या कहा? इस समय तो है ही है, लेकिन यहां बाढ़ 2017-18 में भी आई और कई बार ग्रामीणों ने प्रशासन से कहा कि गाँव बसाने के लिए हम लोगों को जमीन मुहैया कराई जाए, तो एक तो जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई, तो हम लोग अगर जाएं यहाँ से गांव बनाएं तो किस जगह बनाएं, और गांव बनाने के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन की जरूरत है। अब जिलाधिकारी महोदय अगर इसमें प्रयास की करें या उप जिलाधिकारी महोदय करें, तो यहाँ पर वन विभाग का जो क्षेत्रफल है उसमें 10-50 एकड़ जो है वन विभाग से जमीन गाँव समाज को हैंड ओवर कराई जाए, तब वो जो है उसमें हम लोग गाँव बसा सकें ताकि हमेशा की समस्या खत्म हो सके। और यहाँ किसानों की बाढ़ से इस समय भी 100% जो है खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी। पिछली बार बाढ़ आई, कोई किसान को मुआवजा नहीं मिला, इस बार क्या होता है? तो हम लोगों को शासन से ये मांग है समस्त ग्रामीणों की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो है किसानों को जो है फसलों का मुआवजा दिलवाया जाए, पशुओं को बीमारी फैलेगी, पशुओं के लिए चारा है और लोगों को खाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग अगर यही कंडीशन में आज कल और परसों अगर 36 घंटा पानी बहता रहे तो हम लोगों को स्टीमर की ज़रूरत है, बगैर स्टीमर से हम लोग जो है नहीं निकल सकते हैं। जो छोटी सी वो बोट है जो लोहे की है उसमें 4-5 लोग बैठ पाते हैं, बकाया इधर उधर हिलती जुलती है। तो यही हमारा कहना है कि अभी तक यहाँ शासन द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। अभी तक यहाँ पर प्रशासन के कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद रहे? यहाँ तो लेखपाल कल आए थे जी, और आज ये मैडम है, हाँ जो यहाँ की ग्राम विकास अधिकारी हैं मैडम आई हैं कल, शायद मैं पुलिस भी यहाँ आई थी, एक दो लोग आए थे, बकाया और कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे नहीं आया।